बैकुंठपुर के पटना में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता की है, जहां प्रेस वार्ता में ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त की गई है। वहीं उन्होंने लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया है, जहां केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों को सार्वजनिक करने का प्रयास किया है, जिस कारण उनके विरुद्ध द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है। सरकार की तानाशाही चल रही है, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता समाप्त की गई है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या की जा रही है, उसके खिलाफ ये प्रेस वार्ता पूरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के सभी अध्यक्षों और वरिष्ठ जनों के साथ मिलकर किया जा रहा है। और जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली सरकार, वो राहुल गांधी और कांग्रेस से डरती है। इस तरह की वो कुचक्र कार्रवाई कर रही है, जिससे राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म करना, उनको उनके मकान से हटाना, बस इसलिए कि अडानी के बारे में वो सवाल कर रहे हैं संसद में। और बहुत ही यह काला दिन चल रहा है, लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, उस पर सत्ता पक्ष के लोग ही कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। यह हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था और जिला स्तर पर हमारी प्रेस वार्ताएं हो चुकी हैं, जिसमें प्रदेश स्तर से पदाधिकारी आए थे। कोरिया जिला में भी आदरणीय सफी खान जी आए थे, प्रेस वार्ता उनके द्वारा लिया गया और तय किया गया था प्रदेश द्वारा कि 5 तारीख तक, जो आज अंतिम दिवस है, सभी ब्लॉक मुख्यालयों में जाकर नीचे के स्तर में जहां हाट बाजार लगते हैं वहां लोगों को बुलाकर, पत्रकार साथियों को बुलाकर इस पत्रकार वार्ता का विस्तार किया जाए